नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह की फिल्म है, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारी फिल्मों के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो अगर आपकी जुबानी अगर फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहें। ये फिल्म एक सत्य घटना पे आधारित है। इट्स ओके ना इफ आई डू इन हिंदी, राइट? या सो असम की एक घटना है जो असम को छोड़ के शायद बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, जिसे मीडिया सीक्रेट किलिंग नाम से जानते हैं, सीक्रेट किलिंग कहते हैं उसको। जब कुछ अननोन असाइलेंस रात में घरों में घुस के निरत्ते लोगों को मार देते थे। उसके बाद में बहुत सारा इंक्वायरी हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर आज तक ये नहीं पता चला कि वो कौन थे, क्यों मारते थे, और जिनको भी मारा जाता था उनका एक कनेक्शन होता था एक उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और क्योंकि उनका एक कनेक्शन है तो फैमिली को ही वाइप आउट कर दिया जाता था। तो ये फिल्म उसी डार्क चैप्टर को दर्शाता है जहाँ पे मेरा जो मेन किरदार है एक यंग बॉय विथ लॉट ऑफ होप्स एंड ड्रीम, जो बाहर पढ़ाई करता है, एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता है, हैज़ अ ड्रीम, जिसका नाम निर्भय है, जो अनुराग सिन्हा प्ले कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना के दौरान उसका पूरा जीवन, पूरा ड्रीम, एवरीथिंग चेंजेस। एंड मैं बेसिकली दिखाना चाहता था कि भी किसी भी तरीके का वायलेंस अंत में खराबी होता है। सो द फिल्म इज़ बेसिकली गिविंग अ मैसेज दैट एनी काइंड ऑफ वायलेंस फॉर एनी रीज़न फाइनली इज़ फ्यूटाइल। एंड वी होप दैट ये फिल्म देख के सिर्फ मैं इसे भी ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया के लिए, ये फिल्म एक्चुअली खुद एक ग्लोबल वर्ल्ड के लिए ही है। बिकॉज ऐसी कोई भी वायलेंस चीज़ें जब होती है, वी शुड नो, वी शुड टेल दोज स्टोरीज, वी शुड रिमेंबर दोज बैड टाइम्स सो दैट वी नेवर रिपीट दैट अगेन। जहाँ तक हम लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर एक एक करके किरदार के बारे में अगर एक्टर्स बता पाए। हाँ, तो मेरे सबसे मेन किरदार अनुराग जी है, अनुराग सिन्हा। तो अनुराग, आप बता सकते हैं आपका किरदार के बारे में? यस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द फिल्म like briefly and then yes, about my role. So for me it is a true and an unheard story of pain and suffering which happened in Assam to the people at the behest of impolitic motives of some people, right? Shadow Assassins is a story which is of pain which is still embedded in the hearts of the people, and the very fact that it is seeing light and coming out, that it is only going to bring in a lot of peace in their hearts. So for me, it would be like a last, one last appeal on behalf of those families and those who have lost their lives. I think it's a very meaningful film of our times. It is going to appeal to your heart and only engender hope and aspirations in your life. So when I started the film, it was a very, very honest start. Right from the start, we have because the story is a true story, so we have made sure that, you know, our commitment towards it, the entire team has been very, very honest about it, and I have really enjoyed going through this entire journey, expanding my possibilities as an actor and understanding the social environment of Assam, the people, trying to mold myself, and I'm sure all of us, all the actors, have molded ourselves into the kind of tribulations that those people must have faced at that time. And I hope that, you know, you all are able to relate to it and connect to it. I just want to thank Nilanjanda, who has given all of us that space and freedom to, you know, express ourselves the way we want. Of course, being in the script and the according to the script and the storyline. And that shows that, you know, he's a very seasoned and a very sensitive filmmaker who has got complete command over what he does, and that is why he allows his actors and an entire technical team to express their, you know, creative capacity at ease, and that will be seen in the film when you will see the film.
and I have really enjoyed being in this, and it's my honest attempt, and I hope and I wish, pray that you will like it. Sir, मेरे लिए इस फिल्म से जुड़ने का सबसे बड़ा जो मोटिव था या सबसे बड़ा जो एक्साइटिंग फैक्टर था वो ये था कि वायलेंस के बारे में, जैसे इन्होंने बताया सर ने, कि वायलेंस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो एक्टिवली उसका पार्ट नहीं है। तो शैडो असेसेंस की जो कहानी है उसमें जो दिल को छूने वाली बात है वो यही है कि वो फैमिलीज अफेक्टेड हो गई जो डायरेक्टली इससे कोई लेना देना है ही नहीं, एंड दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑल्सो। मतलब हम अपनी देश की या दुनिया की सिस्टम देखें तो जो डिसीजंस मेकर हैं उनसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कॉमन लोग हैं वो होते हैं। तो वो बात मेरे दिल में बैठी। दूसरी बात कि इस ये फिल्म आसाम के बारे में है लेकिन एसमीज़ में नहीं है, इट्स इन हिंदी, सो इट्स अ लोकल फिल्म टेलिंग अ ग्लोबल स्टोरी विच मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। थर्डली आई एम प्लेइंग अनुराग्स एल्डर ब्रदर, तो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि जिसको सब मालूम है कि क्या चल रहा है परिवार में, लेकिन वो अपने डर को फैमिली तक ट्रांसलेट नहीं होने देता है, वो अपने तक रखता है। वो कैरेक्टर का जो यूनिकनेस था या यूएसपी था उसने मुझे बहुत एक्साइट किया। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज शूटिंग इन आसाम। आसाम मुझे वैसे ही कॉलेज के टाइम से बहुत मेरे दिल के करीब है, मुझे वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वो सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग मी टू आसाम एंड पेइंग एज वेल, सो बहुत मज़ा आया। एवरीवन थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, थैंक यू सो मच हमारे डायरेक्टर साहब नीलानंद सर, अनुराग सर। मैं इतना हैप्पी, इतना खुश, मैं जितना भी अब तक ये काम किया हूँ, हालांकि मेरा अनुभव अभी बहुत कम है, लाइफ में इतना काम नहीं किया हूँ मैं, बट पहली बार ऐसा मुझे लगा कि मैं कूल, इतना शांत और इतना अच्छे तरह से काम कर पाया आसाम में जाकर। और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ चिन्मॉय का। चिन्मॉय करने से पहले एक बड़े महान कलाकार थे हमारे बीच, ब्रह्मा मिश्रा साहब, जो कि इस कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वो, और शूटिंग से कुछ दिन पहले उनके निहांत हो जाते, तो हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है, वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें ईश्वर, बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे टीम मनोज सर कि मुझे इतनी खूबसूरत टीम के साथ काम करने का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। मेरा किरदार है अनुराग की मम्मी का, जो मेरी फैमिली का बेटा, बड़ा बेटा वो है, छोटा बेटा ये है, ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है क्योंकि वो दूर पढ़ता है, पूना में पढ़ता है, आसाम से दूर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये। और ये जब सीन्स होता है कि ये आता है घर पे, फिर मैं इसके लिए स्वेटर बुनती हूँ, खाना बना, इसकी फेवरेट फूड बनाती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा लगाव है उसके साथ। जब इसको जब लेके जाते हैं पुलिस, जो भी सीन्स होता है, हाँ हाँ, तो जो ये इमोशंस है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर है। बहुत लंबा रोल नहीं है, बहुत छोटा रोल है, सीन्स भी कम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे करके ये इनके साथ, सबके साथ, और डायरेक्टर सर मैं भी NSD से ही हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, 1994 बैच की। मैं बेसिकली आसाम से हूँ लेकिन रहती हूँ मुंबई में। तो मनोज ने जब मुझे बोला कि कास्टिंग के लिए आपको हम सोच रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, फिर स्क्रिप्ट भी भेज दिया, पढ़ लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था स्क्रिप्ट, जिस तरीके से लिखा इन्होंने, जिस तरीके से एक्सप्रेस किया चीज़ें, ज़रूरी है ये जानना, ज़रूरी है क्या घटा था उस टाइम पर, उस टाइम कितनी सदमा पहुँचते थे लोगों को, लोकल लोगों को, या जो फैमिली में होता था उनकी फैमिली में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट किया था रोल, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का। तो जी क्या कहना चाहेंगे फिल्म के? हाँ जी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सारे किरदार जैसे मैंने कहा कि एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? वो कास्टिंग डायरेक्टर भी है फिल्म जी। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, राकेश भाई ने, अनुराग ने, हेमंत जी ने, जगह पर आप लिख गया, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले प्रोड्यूस चाहिए,
थैंक यू, थैंक यू सो मच. जब दादा ने बोला कि ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसमें यू नो वो बैलेंस होनी चाहिए कि बॉम्बे के एक्टर्स भी आएंगे और असम के एक्टर्स भी रहेंगे, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना, कि ऐसा ना लगे कि ये लोग बाहर से हों, ये लोग असम के एक्टर्स हैं. और ये सारे बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं इनके साथ, क्योंकि मैं खुद एक्टर हूँ और थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन सबको मैंने परफॉर्म करते हुए फिल्म्स में, थिएटर्स में देखे हैं पहले. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे कैरेक्टर्स दिखाई दिए और सब ने, मैंने बहुत कम एक्टर्स को अप्रोच किया था सारे, तो सब मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब ने एक्सेप्ट किया जो भी रोल्स, एंड बहुत अच्छी तरीके से सब ने निभाया है. तो थैंक यू ऑल माय कास्ट. एंड अगर क्योंकि मैं भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स फिल्म में कर रहा हूँ, मेरे लिए इस फिल्म में जुड़ने का सबसे बड़ी मकसद ये था कि बचपन में जो ये घटनाएं मैंने अपने आँखों के सामने मैंने देखा है, और इसको सिनेमा के ज़रिए असम के बाहर और पूरी दुनिया में ये कहानी बताने का जो एक अंदर एक था, तो ये जब निरंजन ने बोला कि इस सब्जेक्ट पे, इस ट्रू इवेंट पे मैं ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये यही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है. और स्पेशली क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और पूरे इंडिया में ये रिलीज़ हो रही है, तो आई होप जो रेस्ट ऑफ इंडिया रिलेट कर पाएगी और महसूस कर पाएगी क्या क्या गुजरा था उस समय असम के लोगों में. और जैसे इन्होंने बोला कि कोई भी वायलेंस जो होता है ना, वो सेंसलेस होता है आखिर में, और इन घटनाओं को इसलिए हमें याद रखना चाहिए, इन घटनाओं के बारे में हमें, ये कहानियां हमें इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि ये कहने का कारण ये है कि ये समझना कि ये दोबारा ना हो. और अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो यही उसका भी एक वैसा ही, जैसे इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट फैमिली के साथ जो हुआ है घटना, इसके साथ भी वही हुआ है, इसके फैमिली के साथ भी वही हुआ है, तो वो उसी दौर से ये कैरेक्टर गुजरा है. तो बहुत ही मेरे लिए ये इमोशनल, एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट का भी था. तो आई होप एवरी वन लाइक द फिल्म व्हेन इट कम्स आउट. थैंक यू सर.